सबसे पहले हम फ्रंट और रियर मडगार्ड पैकिंग से बाहर निकालते हैं। हम चेंज कर आधा इंच का नट बोल्ट बिठा रहे हैं। मडगार्ड क्लैंप को फिर उसमें बिठा देंगे। थोड़े से लूज है तो सबसे पहले हम उसे फिक्स करते हैं। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों 27.5 और 29er व्हील साइज में एनुअल साइकिल में आपको मडगार्ड नहीं मिलते। कुछ 26 इंच व्हील साइज में भी एनुअल साइकिल में मडगार्ड नहीं मिलते। अगर इन साइज में एनुअली आपके पास कोई साइकिल है और आप मडगार्ड बिठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जानकारी हो जाएगी कि मडगार्ड इसमें कैसे बिठाते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है RJ वर्ल्ड, जहाँ पर आपको साइकिल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। दोस्तों आज जिस साइकिल में हम मडगार्ड बिठाने वाले हैं वो एक 29er व्हील साइज में होने वाली गियर साइकिल है और इसमें मडगार्ड नहीं मिलते। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें मडगार्ड कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले हम साइकिल में रियर मडगार्ड बिठाएंगे। रियर मडगार्ड बिठाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट और रियर मडगार्ड पैकिंग से बाहर निकालते हैं। तो ये है फ्रंट मडगार्ड, ये है क्लैंप जो हम रियर मडगार्ड में बिठाने वाले हैं, और ये है रियर मडगार्ड। तो सबसे पहले हम क्लैंप को रियर मडगार्ड में बिठा देते हैं। रियर मडगार्ड को क्लैंप में बिठाने के लिए इस तरह के नट बोल्ट दिए होते हैं। आप चाहे तो ये नट बोल्ट बिठा सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं और आधा इंच का नट बोल्ट बिठा सकते हैं। हम चेंज कर आधा इंच का नट बोल्ट बिठा रहे हैं। सबसे पहले हम दोनों बोल्ट को वॉशर के साथ मडगार्ड में बिठा देते हैं। दोनों बोल्ट बिठाने के बाद मडगार्ड क्लैंप को हमें मडगार्ड में ठीक इस तरह से बिठा देना है और दोनों नट उसमें फिक्स कर देना है। मडगार्ड क्लैंप कैसे बिठा है ये भी जरा ध्यान से देखिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से नट बोल्ट, दोनों नट बोल्ट फिक्स कर दीजिए। अब हम सीट को सीट के पाइप के साथ इस तरह से निकाल देते हैं। मडगार्ड क्लैंप के इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर देंगे। क्लैंप के जिस पार्ट को हमने निकाला था उसे सीट के पाइप में इस तरह से बिठा कर उसे दोनों तरफ से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद मडगार्ड क्लैंप को फिर उसमें बिठा देंगे। जिस नट बोल्ट को हमने क्लैंप से निकाला था उसी नट बोल्ट को वापस क्लैंप में लगा देंगे। नट बोल्ट को फिक्स करने के लिए अब यहाँ पर हमें 10 नंबर का स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। 10 नंबर का स्पैनर हम नट में बिठाकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से मडगार्ड क्लैंप को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं मडगार्ड क्लैंप सीट के पाइप में अच्छी तरह से फिक्स हुआ है या नहीं। बाकी नट बोल्ट भी आप चेक कर ले अच्छी तरह से फिक्स हुए हैं या नहीं। अगर थोड़े लूज है तो आप उसे अच्छी तरह से फिक्स कर ले। अब सीट के पाइप को फिर से साइकिल में बिठा दे। बिठाने के बाद क्विक रिलीज को अच्छी तरह से टाइट कर ले। इस नट बोल्ट की मदद से आप मडगार्ड को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जिस पोजीशन में चाहे रख सकते हैं। अब रियर मडगार्ड अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। अब फ्रंट मडगार्ड को इंस्टॉल करते हैं। फ्रंट मडगार्ड के ये दोनों नट बोल्ट थोड़े से लूज हैं, तो सबसे पहले हम उसे फिक्स करते हैं। नट बोल्ट को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद मडगार्ड को फोर्क में इस तरह से बिठा दे। तो ये है 10 नंबर का नट बोल्ट जिसे हम फ्रंट मडगार्ड में फिक्स करने वाले हैं।
10 नंबर के बोल्ट को हम मड़गार्ड और फोर्क में ठीक इस तरह से बिठा कर अंदर से नट को फिक्स कर देंगे। नट बोल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के बाद वाटर पंप प्लायर या 10-11 के स्पैनर से उसे अच्छी तरह से फिक्स कर दें। और 27.5 व्हील साइज में आने वाली सभी साइकिल में आप इस तरह से मड़गाड़ बिठा सकते हैं, लेकिन 29er व्हील साइज में आने वाली कुछ साइकिल में आपको दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत क्या आ सकती है, चलिए आपको दिखाते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि फ्रंट मड़गाड़ टायर को घिस रहा है, और ये प्रॉब्लम आपकी साइकिल में भी आ सकती है, और उसका सोल्यूशन आप आगे देख सकते हैं और ध्यान से देखिए। तो फ्रंट मड़गाड़ को हम सबसे पहले फोर्क के बाहर निकालते हैं। मड़गाड़ में से इन दो नट बोल्ट को हम पूरी तरह से निकाल देंगे। मड़गाड़ के अंदर जो पट्टी आती है उसे निकालकर उस पट्टी को हमें मड़गाड़ के बाहर से अंदर की तरफ लगा देना है, और ठीक इसी तरह से लगा देना है। यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पहले जो हमने दो नट बोल्ट निकाले थे उसे वापस फिर से मड़गाड़ में बिठा देना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये दोनों नट बोल्ट अच्छी तरह से फिक्स कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पट्टी नीचे की तरफ आ गई है और ये दोनों नट बोल्ट अच्छी तरह से फिक्स हो चुके हैं। अब मड़गाड़ को हमें ऊपर की तरफ से फोर्क में बिठा देना है, ठीक इस तरह से, और इसे आपको ध्यान से देखना है। मड़गाड़ को फिर से निकालकर 10 नंबर के बोल्ट को हमें मड़गाड़ में इस तरह से बिठा देना है। बोल्ट को हमें ठीक इस तरह से बिठा कर अंदर की तरफ से नट को बिठा देना है। वाटर पंप प्लायर और 10 नंबर के स्पैनर की मदद से इस नट बोल्ट को हमें अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। फ्रंट मड़गाड़ बिठाने के लिए कुछ साइकिल में आप 10 नंबर नट बोल्ट की बजाय 9 नंबर का नट बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। टायर और फ्रंट मड़गाड़ में गैप होने की वजह से टायर मड़गाड़ को नहीं घिस रहे हैं, और फ्रंट और रियर मड़गाड़ अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुके हैं।